बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने करीब 5 महीने बाद शुक्रवार को 2018 से 2020 सेशन का सेकंड सेमेस्टर का परिणाम जारी किया। देर शाम तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड किया जाता रहा। यह परीक्षा इस साल फरवरी में हुई थी। हालांकि छात्र छात्रों के थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा मार्च में हो चुकी है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। शनिवार को बिहार विश्वविद्यालय परिसर में छात्र जदयू के सदस्यों ने पीजी के रिजल्ट में गड़बड़ी और अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले छात्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि इस विश्वविद्यालय में रिजल्ट मनमाने तरीके से जारी किया जाता है। अवैध रूप से राशि लेकर उसके बल पर रिजल्ट जारी किया जा रहा है। इसी को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया गया है। छात्रों ने कहा कि पेट 2021 का नोटिफिकेशन 2-3 दिनों के अंदर जारी करे, साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन पीजी का रिजल्ट अविलंब जारी करे, सभी पेंडिंग परीक्षा जल्द से जल्द कराया जाए, नहीं तो इसे विरोध में आगे और तेज आंदोलन किया जाएगा। छात्र जनता दलियों के कार्यकर्ताओं के दिए गए ज्ञापन को लेकर प्रॉक्टर डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि 1 हफ्ते में रिजल्ट में सुधार कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद छात्र जनता दलियों परिवार की तरफ से। देखिए बिहार यूनिवर्सिटी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, कोई भी रिजल्ट सही नहीं आता। कोरोना काल में बच्चे ने क्लास किए ना पढ़ाई किए, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी उन लोगों को फेल करा दिया गया। सेकंड सेमेस्टर का जो अभी रिजल्ट आया है बहुत ही घटिया आया है। छात्र जनता दल ये डिमांड कर रहा है कि रिजल्ट को 100% सुधार किया जाए और लगभग छात्रों को पास कराया जाए और जरूरत पड़े तो कॉपी पुनः चेक कराया जाए। एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मिले हैं आप लोग? एग्जामिनेशन कंट्रोलर अभी छुट्टी पर हैं। प्रॉक्टर महोदय क्या कुछ बात बात किए हैं? प्रॉक्टर महोदय बोले हैं कि एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक करेंगे और इस पर जल्द से जल्द हम लोग फैसला लेंगे। क्या परिचय है? रंजीत राजपुरी, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, छात्र जनता। भारी गड़बड़ी नहीं है, कुछ त्रुटियां हुई हैं। बच्चों को 45% पे मार्क्स पे पास करना चाहिए था, कुछ लड़कों का रिजल्ट 31 पे आके रोक दिया गया है, जो गलत है, नहीं होना चाहिए था। 0.5% और 1% के या 1 नंबर के कारण अगर कोई लड़का वंचित रह जाता है तो मैं समझता हूँ कि मानवीय दृष्टिकोण से भी गलत है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका रिड्रेसल हो जाए। कुलपति जी से बात हो रही है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर आ जाते हैं, एग्जामिनेशन कमेटी की बैठक करके जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि 1-2 नंबर से जो लड़के फेल कर रहे हैं उसको कम से कम 1 साल तक के लिए नहीं रोका जाए, उनका रिजल्ट बाधित नहीं हो, उसके कारण उनको जो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है उसे बाहर निकलने के लिए जो भी संभव होगा हम लोग करेंगे। मनोवैज्ञानिक दबाव के बाद सर आर्थिक दबाव भी पड़ेगा? आर्थिक कोई दबाव नहीं होता, पता है चूँकि बिहार यूनिवर्सिटी में बाहर के जिले के छात्र भी आते हैं, 2-3 बार दौड़ने के बाद किसी न किसी दलाल के माध्यम से उन्हें लूटा जाता है। अब दलाल तो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, दलाल तो हर जगह क्रिएट हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यह दलाल व्यवस्था बंद हो, इसमें सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। थोड़ा वक्त लगे लेकिन हर आदमी अगर अपना काम विधिवत ढंग से करवाने की कोशिश करे तो दलाल जो ग्रुप है ना वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। जो गड़बड़ी हुई है उस पर क्या कुछ किया जाएगा? ये गड़बड़ी हुई है और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो 35% या 33% पास मार्क्स वाली बात होती है वो दिमाग में रही होगी, जबकि 70% पर मिनिमम उसका 45% होना चाहिए था। ये गलत फहमी के कारण भी ऐसा हुआ है। रीचेक किया जाएगा फिर सबको? रीचेक होगा, रिटोटलिंग होगी, जो होगी व्यवस्था हम लोग करेंगे, लेकिन 1-2 नंबर से कोई लड़का फेल नहीं करेगा, ये मेरी भी अपनी मान्यता है और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा हो।